नमस्कार, आप देख रहे हैं विज्ञान न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कोटारम रक्षा समिति के सदस्यों की बैठक का हुआ आयोजन। यह आयोजन चाचोड़ा थाना में किया गया। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के आदेशानुसार इस तरह के आयोजन हर थाने में करना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में कोटवारों की जरूरत को समाज में किस तरह से है इस पर विशेष जोर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने यह भी कहा कि किस तरह से पुलिस और पब्लिक को एक साथ होकर काम करना चाहिए और लोगों को पुलिस के कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आपकी परेशानियां हो उसको भी मिटाने का प्रयास करेगा। एनआरएस के हमारे लोग आए हैं, एनआरएस के भाई आए हैं, उनसे भी मेरा यही अनुरोध है, आपके गांव का अमन चैन आपके हित में है, उसको बनाए रखना आपके हित में है। उसमें गांव की व्यवस्था में सुधार हो, आपकी कस्बे की व्यवस्था में सुधार हो, ये सबके हित में है और इसको करने के लिए सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है मगर अमन चैन के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई के अलावा भी बहुत कुछ करना। आप भी हमारी समस्या ऊपर तक पहुंचाएंगे, वो बताएंगे हमको। शासन का जो नियम है वो तो उसमें अभी, लेकिन आपकी समस्या से अवगत करा देंगे। इधर से आ जाओ दादा, आप लोग सर इधर, सर थोड़ा है, तुम इधर ले लो, इधर आ जाओ सर, फोटो जो भी कोटवार समिति के सदस्य को सलाह नगर रक्षा समिति की बैठक ली गई है। उनको निर्देशित किया गया है कि जो है वो पुलिस का सहयोग करें, आगे बढ़कर पुलिस का सहयोग करें, पुलिस भी उनका पूरा सहयोग करेगी और सब लोग मिलकर जो है अपने थाना क्षेत्र को, अपने प्रत्येक गांव को हम लोग जो है उसको अपराध मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। लोगों की लगातार कार्रवाई चलेगी। अभी कल जो है सीएम साहब की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन दोनों को उन्होंने निर्देशित करा है कि मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मैं समझता हूँ निकट भविष्य में हम लोग नशा मुक्ति के कैंप भी लगाएंगे, जिसमें नशे से ग्रसित लोग हैं उनको उसमें जो है भर्ती किया जाएगा और डॉक्टरों की देखरेख में उनका नशा मुक्ति किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लगातार इसमें क्रांति को पकड़ने का अभियान छेड़े हुए हैं और इसमें जितने भी इसमें गहरे तार होंगे उनको हम सभी को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित ही दुनिया कम होगी और जो दुनिया कम होगी तो सही सूचनाएं और सही वाक्य भी पुलिस के सामने आएगा। मैं समझता हूँ पुलिस की कार्रवाई जो है वो उसमें भी सुधार है। स्टाफ की अभी भर्ती हुई है हाल में और अप्रैल में भर्ती हुई है। मैं समझता हूँ फरवरी या मार्च में वापस 100 के करीब नए जवान आने वाले हैं, तब इस थाने में स्टाफ की पूर्ति थोड़ी बहुत होगी। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। श्रीमद भागवत कथा की निकाली गई कलश यात्रा। भक्तवाल जी के मंदिर से प्रारंभ होकर संगीतमय श्रीमद भागवत कथा की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पंडा जी धर्मशाला से ढोल एवं बैंड बाजों के साथ प्रारंभ हुई। नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई इस शोभा यात्रा का समापन भक्तवाल जी के मंदिर पर हुआ। संत श्री मोहन शरण जी महाराज के मुखारविंद से यहाँ पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 5 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगी। साथ ही इस कथा का समय दोपहर 1 से 5 बजे तक है। रामस्वरूप चौकसे ने सभी नगरवासियों से अधिक संख्या में इस कथा में पहुंचने पर एवं कथा सुनने का आग्रह किया है। Thank you.
चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिव नामदेव की रिपोर्ट। आरुण नगर में सियाराम आश्रम में इन दिनों चल रही है भागवत कथा। यहाँ पर आज कृष्ण जन्मोत्सव का धूमधाम से एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथावाचक ने इस बात पे भी जोर दिया कि किस तरह से भजन एवं यज्ञोपवीत हमारे संस्कार बचा हुआ है, साथ ही सनातन धर्म के बारे में भी उन्होंने सबको बताया। जिसके बाद कथावाचक बाल व्यास जी महाराज द्वारा गौशाला जाकर वहाँ पे गौ माता की पूजन भी की गई, जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। सहरिया जाति का विशेष भर्ती अभियान इन दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रहा है। इस विशेष भर्ती अभियान को 1 जनवरी से 14 जनवरी तक संपन्न किया जाएगा, जिसमें सहरिया समुदाय के लोगों की भर्ती की जाना है। इसी तारतम्य में आज कई अभ्यर्थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। रघुवंशी समाज ने सांसद ज्योतिराज सिंधिया का आभार मनाने के लिए आयोजित की एक प्रेस वार्ता। स्थानीय निजी होटल में एक इसका आयोजन रखा गया। वहीं रघुवंशी समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने तहे दिल से सांसद ज्योतिराज सिंधिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अशोकनगर के ASI सतीश रघुवंशी के सवाल को संसद तक पहुंचाया। वहीं रघुवंशी समाज के पदाधिकारियों ने इस बात का भी हर्ष है कि अब कम से कम पीड़ित परिवार को जल्द ही मदद मुहैया हो पाएगी। तो अपना नाम न काटते मत कायम करते सुरक्षा नोट के आधार पर तुरंत उसी के नीचे धारा 306 का मुकदमा पंजीबद्ध करते IPC का, इसके बाद उसकी विवेचना करते। वो दोषी नहीं थे, उनका नाम अपने आप अलग हो जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। हमारे ये कानूनी मुद्दे थे जो एक आम घटना के बारे में उन्होंने अपने पद और कर्तव्य का जो निर्वहन किया है, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद हृदय से सारा समाज ज्ञापित करता है। यूं ही उनका हम धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहे। देखने वाली बात इसमें यह है कि आज तक रघुवंशी समाज की ओर से या हमारे किसी भी संगठन की ओर से क्षेत्रीय सांसद जी को हमने कोई ज्ञापन इस घटना का नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपने पद का और जानकारी के आधार पर लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया। उन्होंने भी वही मुद्दे उठाए हैं कि इसमें अभी तक अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं हुआ, सरकार लापरवाही कर रही है, ये उन्होंने वहां बताया अध्यक्ष जी के माध्यम से कि इसमें तुरंत आप हमारा मुकदमा पंजीबद्ध कराएं और फिर CBI की जांच कराएं ताकि जो भी दोषी व्यक्ति हो वो दंड का भागीदार बन सके। आज जो राजबिलास में पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई गई कि जो सतीश सिंह ASI अशोक नगर का जो केस है उसमें शीघ्र से शीघ्र उस पर कार्रवाई हो, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, FIR दर्ज हो उसमें और उनके बच्चे को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। सिंधिया जी का और उस क्रम में हमारे माननीय युवा सांसद लोकप्रिय सांसद सिंधिया जी, जिनसे हमने कोई मांग नहीं की न कोई ज्ञापन दिया, उन्होंने लोकसभा में ये प्रश्न उठाया कि सतीश रघुवंशी जी का FIR दर्ज कराई जाए और शीघ्र CBI जांच कराई जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनके बच्चे को नौकरी दी जाए। इसलिए हम सिंधिया जी हमारे लोकप्रिय जो सांसद हैं उनका बार बार धन्यवाद देते हैं, रघुवंशी समाज गुना और आभार व्यक्त करते हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने आज
कलेक्टर राजेश जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि सातवें वेतन मांग का उन्हें जल्द ही फायदा मिले। जिस तरह से अन्य राज्यों में भी सातवें वेतन मांग तुरंत ही लागू कर दिया गया है, उसी तरह से पेंशनरों को मध्य प्रदेश में भी जल्द ही सातवें वेतन मांग का लाभ मिले। शासन द्वारा पेंशनर संघ के पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के लाभ आज पर्यंत नहीं दिए गया, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जा चुका है। उसी संबंध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये शीघ्र सातवें वेतन का लाभ दिए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है कलेक्टर साहब। एक तरफ भाजपा शासन स्वच्छता अभियान को चरम पर लाने के लिए करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च कर रही है, वहीं इसके उलट ही नजारा देखने को मिला गुना में। गुना की अन्नपूर्णा कॉलोनी में जहां पर रहवासी मच्छर के प्रकोप से इस कदर परेशान है कि वे आए दिन बीमार होते रहते हैं। रहवासियों ने बताया कि यहां वर्षों से नाली की परेशानी थी, अब जब नाली बनी तो नालियों में पानी बना रहता है, जिसके चलते वहां पर मच्छर पल रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से भी की गई, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही 181 पर भी शिकायत करने के बाद अभी तक कोई निराकरण नहीं मिल पाया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नाली में पानी बना रहने के चलते यहां पर मच्छर पनपते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होती रहती हैं, जिसके चलते मोहल्लेवासी आए दिन बीमार रहते हैं। वहीं नालियों का पानी इस तरह से ओवरफ्लो हो जाता है कि जब भी रास्ते से निकलो तो नाली का पानी सामने आ जाता है, जिससे लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ना जाने कब अन्नपूर्णा के रहवासियों को इस नाली की समस्या से निजात मिल पाएगी। रोड पर खड़ा कर रहा हूं बनाने के लिए, इसके नीचे कुछ नली वगैरह नहीं है, नली ने बनवाई तो ये इधर नहीं निकलने दे रहे, यानी आगे बार भी कह रहे समस्या ये आ रही सर के हम तो बीमार हो रहे हैं सर, मेरी वैसे भी बीमार पड़ी हुई है और पास में लोग पानी नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से, नाली के 3 महीने से परेशान है, बदबू आ रही है। नगर पालिका के आते हैं देख के चले जाते हैं, शिकायत करने नगर पालिका में आते हैं तो कह देते हैं भेज रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, इसके बाद ओवरफ्लो हो रहा पानी, इधर से निकल रहा है, बदबू आ रही, सड़ान आ रही, कोई सुनवाई नहीं होती सर। मालगाड़ी की शंटिंग टूटने से एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। बता दें कि खेजा रेलवे फाटक के पास से मालगाड़ी के अचानक शंटिंग टूट गई, जिसके चलते 200 मीटर तक ट्रेन का इंजन चला गया। वहीं गनीमत रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा पहले ही बड़ी गंभीर है, उसी के चलते आज बिलोनिया ग्राम के रहवासी पहुंचे कलेक्टर को ज्ञापन देने। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत मंडल के कर्मचारी उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, जिसके चलते आज उनका लाखों का नुकसान भी हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत मंडल के कर्मचारी उनकी डीपी उतारने के लिए आए थे, जब ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया कि जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया है केवल उनकी लाइट काटे, पूरे गाँव की लाइट क्यों बंद कर रहे हो, इस बात पर विद्युत विभाग के कर्मियों ने पुलिस को बुला लिया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्युत मंडल के कर्मियों ने पुलिस कर्मियों के सामने ही वहां से डीपी में आग लगा दी, साथ ही 6-7 खंभे भी तोड़ दिए, जिसके चलते एक झोपड़ी में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस फेर में ग्रामीणों के करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर राजेश जैन इस बात को किस तरह से लेते हैं और कैसे इन किसानों की दुर्दशा को दोबारा संवारा जा सकेगा। कि हमने आज जुड़ के उनसे निवेदन किया तो लाइट एमपीवी वाले से एमपीवी वाले की टीम आई कम 25-30 आदमी, तो उनसे हमने जी किया कि जी ये व्यक्ति ने अगर ट्रांसफार्म का कोई बिल नहीं दिया तो आप उसका ट्रांसफार्म उतार सकते हैं, आप कोई तार नहीं काटेंगे, और दो लोगों ने नहीं दिया तो उनके बदले में आप 8 किसानों को परेशान नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने ये बोला और उनसे कि उनने 7 महीने से लान बंद थी, 7 महीने के बाद में उनने 19 नवंबर में, हाँ नहीं सर, हाँ 19-20 नवंबर में उनने लाइट चालू करी, 50% हमने जो बिल जमा किया, इसके बावजूद भी उनने हमारा आज के बाद उनने कर्मचारियों के कहने के पर ही हमने जो 50% जमा किया, इसके बाद फिर बेरोजगार लगे कि आपको पूरा देना पड़ेगी, 1 महीने की फसल है हमारी, कुछ लोग बुरे हैं कुछ किसान, और अभी फसल उगती जा रही है, खाद दे नहीं पा रहे, बहुत कमजोर फसल है,
और हमने ये आज ये भी कहा कि हमारी फसल आ जाएगी तो हम आपके लिए आपका कर्जा संसद दे रहेंगे। जो आते समय पुलिस के सामने उनके समक्ष में उनने हमारी ट्रांसफार्मर में आग लगा दिया, तार पार लाए, सात खम्मा टूट गए, एक टपरिया में आग लग गई और दस दिन की बात है और दवाई जल गई, सारे किसानों को कम से कम 4 और 5 लाख रुपए का नुकसान है। विजयनामे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।